वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको KGF चैप्टर 2 की हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया था। तो काफी ज्यादा भाई लोग दोस्तों ने कहा कि यार बाकी कलेक्शन किधर है, मीन्स के वर्ल्ड वाइड किधर है, और इंडिया में इस मूवी ने किस प्लेस से कितनी कलेक्शन की है वो सब भी बताओ। तो दोस्तों, वो तब नहीं आई थी, लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले KGF चैप्टर 2 की डे 1 की सारी कलेक्शन निकल कर आ चुकी हैं। मीन्स के दोस्तों, इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कितनी कलेक्शन की है, इस मूवी ने इंडिया में किस प्लेस से, किस सिटी से कितनी कलेक्शन की है, सब की सब निकल कर आ चुके हैं। तो वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो दोस्तों, साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या KGF चैप्टर 2 ने RRR का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, इसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। कैसे किया है मैं आगे चलकर बताता हूं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि यार ये मूवी डे 1 के अंदर इतनी ज्यादा कलेक्शन क्यों नहीं कर पाई। नो डाउट इट्स अ ब्रिलियंट कलेक्शन, ब्लॉकबस्टर रही है, लेकिन जो हमने कहा था कि यार ये मूवी ऑलमोस्ट 250 करोड़ तक जाएगी, तो वहां तक क्यों नहीं गई, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जिन भाई दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि ऐसी अपडेटेड वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते ही रहते। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो मैं आपको बताता चलू कि KGF चैप्टर 2 ने डे 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया से हिंदी के अंदर 53.95 करोड़ का बिजनेस किया, कर्नाटका से 28 करोड़ का बिजनेस किया, केरला से दोस्तों 7 करोड़ का बिजनेस किया, तमिल से 8 करोड़ का बिजनेस किया। तमिल से दोस्तों कम है, क्योंकि 20 चल रही है वहां पे, डे 1 का भी 20 की अच्छी कलेक्शन आई थी, डे 2 की भी अच्छी कलेक्शन आई है, लेकिन बस इसके बाद दोस्तों जितनी की जितनी भी स्क्रीन है वो सारी KGF चैप्टर 2 को मिलने वाली है। और अगर आज 8 करोड़ आया है तो कल देखना कितना आने वाला है। खैर दोस्तों, तमिल से 8 करोड़ आया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दोस्तों 31 करोड़ का बिजनेस हुआ, और अगर हम इस सारे को टोटल कर देते हैं तो दोस्तों ये बन जाता है ऑलमोस्ट 134 करोड़, जो कि मेकर ने पोस्ट भी डाली थी कि इंडिया से डे 1 के अंदर KGF चैप्टर 2 ने 134 करोड़ का बिजनेस किया। ये तो बात थी इंडिया की। सबसे स्पेशल बात अब कि यार इस ने वर्ल्ड वाइड कितना बिजनेस किया है। तो देखिए दोस्तों, सुबह की वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये मूवी ऑलमोस्ट 30-35 तक जाएगी ओवरसीज में, लेकिन ये 30-35 भी नहीं गई। मैं आपको बताता चलूं कि दोस्तों, इस मूवी की ऑस्ट्रेलिया से जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है वो आई है 2.9 करोड़, और यूएसए से आई है 8.4 करोड़, और बाकी बस नॉर्मल दोस्तों चलता रहा है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ कुछ लैक्स चलता रहा है। और दोस्तों टोटल जो आई है, टोटल वो दोस्तों आई है 25.69, मींस के ऑलमोस्ट दोस्तों आप कह सकते हैं 26 करोड़। KGF चैप्टर 2 की डे 1 की ओवरसीज से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है 26 करोड़, जो कि दोस्तों डेफिनेटली कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों देखना कैसे बढ़ने वाली है। और दोस्तों, अगर हम इसको टोटल करें तो दोस्तों इंडिया से प्लस ओवरसीज से KGF चैप्टर 2 की जो डे 1 की कलेक्शन हुई है वो हुई है 160 से 165 करोड़। जी हाँ, 165 करोड़ KGF चैप्टर 2 की डे 1 की कलेक्शन हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि KGF चैप्टर 2 ने कैसे RRR मूवी को बीट कर दिया। देखिए दोस्तों, भले ही RRR मूवी ने डे 1 के अंदर 223 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन RRR मूवी का बजट कितना था, 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़। और इधर देखिए, अगर हम KGF चैप्टर 2 का बिजनेस कितना था, 100 करोड़, और इसने डे 1 के अंदर कितना बनाया, 165 करोड़। तो मींस के अपना बजट भी पूरा कर लिया, और बजट के हाफ जितनी कलेक्शन इसने ज्यादा कर ली। मींस के अगर 100 करोड़ बजट था, 100 करोड़ निकाल दो तो 65 करोड़ इस मूवी ने फर्स्ट डे ही प्रॉफिट कर लिया। इवन कि अगर हम RRR की बात करें तो उसे 3 दिन लगे थे 500 करोड़ का बिजनेस करते हुए। मींस के 3 दिन बाद दोस्तों RRR मूवी का बजट पूरा हुआ था। और इधर KGF चैप्टर 2 ने डे 1 के अंदर बजट भी पूरा किया है और 65 करोड़ का प्रॉफिट भी जनरेट किया है। अब बात करते हैं कि दोस्तों KGF चैप्टर 2 की डे 1 की जो कलेक्शंस है वो कम क्यों आई हैं। नो डाउट दोस्तों, अगर हम देखें तो ये कम है, एक हिसाब से देखें दोस्तों। अब ये कम होने के पीछे काफ़ी सारी रीजंस हैं, मैं आपको मेजर रीजंस बताऊंगा। सबसे पहली दोस्तों रीज़न ये है कि इस मूवी की तमिल के अंदर बहुत बड़ी कलेक्शंस हो सकती थी, क्यों नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे बीस्ट का टाकरा था। अब बीस्ट इतनी अच्छी मूवी भी नहीं निकली, काफ़ी लोगों, बल्कि सारों को ही नहीं पसंद आई, मुझे छोड़ के, लेकिन तो बीस्ट मूवी को अगर वहाँ पे इतनी अच्छी स्क्रीन्स मिल रही है, बीस्ट ना होती तो वो सारी की सारी स्क्रीन्स मिलती KGF चैप्टर 2 को, और मोल और ऑलमोस्ट बीस्ट मूवी KGF चैप्टर 2 मूवी तमिल के अंदर से भी डे 1 में अगर तो 20 ना होती तो 30 प्लस करोड़ का बिजनेस कर सकती थी।
ये नंबर वन रीजन। दूसरी रीजन दोस्तों कि जीएफ चैप्टर 2 को वीकेंड पे रिलीज नहीं किया गया, ये रेगुलर डेज में रिलीज हुई है। इसे रिलीज किया गया था थर्सडे को, थर्सडे दोस्तों रेगुलर डे होता है। और मैं आपको बता दूं, भले ही बहुत से लोग देख गए हैं जीएफ चैप्टर 2 को देखने, लेकिन वीकेंड पे उससे डबल जाते हैं। मींस के दोस्तों वीकेंड एक ऐसा वीकेंड जो डेज होते हैं वो होती ही दोस्तों एक किस्म के मूवीज देखने के लिए हैं। तो मूवीज में मींस के वीकेंड पे इनकी कलेक्शंस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती हैं। तीसरा बड़ा पॉइंट, काफ़ी सारे दोस्तों मुस्लिम जो भाई लोग हैं वो KGF चैप्टर 2 नहीं देखने गए। क्यों? क्योंकि रमज़ान चल रहा है, दैट्स वाई। और वो देखेंगे ईद पे। यहाँ पे मेकर्स ने क्या गेम खेली है यार, मुझे इतना मज़ा आया। मीन्स के मेकर्स ने दोस्तों डबल गेम खेली है मुस्लिम भाई लोगों के लिए। उन्होंने ऐसी डेट रखी है 14th of April, 14th of April में दोस्तों रमज़ान चल रहा है, लेकिन दो वीक्स बाद ईद आने वाली है। अब ऑफकोर्स दोस्तों मुस्लिम भाई के लिए वो एक बहुत बड़ा डे होता है और उन सारों को छुट्टी होती है, वीकेंड होता है एक किस्म का। तो कितने मुस्लिम भाई KGF चैप्टर 2 ईद डे, ईद वाले दिन देखने जाएंगे? मींस के अब देखिए ना दोस्तों, ट्रिपल आर मूवी की अपने दो वीक्स बाद कलेक्शंस डाउन हो गई हैं, लेकिन KGF चैप्टर 2 की देखना, फिर दो वीक्स बाद जब ईद आएगी तो इसके कलेक्शंस फिर से जंप करने लग जाएंगी, ये सीन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो मेकर्स ने बड़ी अच्छी गेम खेली है। खैर दोस्तों, ये थी डे वन की कलेक्शंस। होप सो ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। फिर से कह रहा हूँ, जिन भाई दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है KGF चैप्टर 2 की, डे 2 की एडवांस बुकिंग कलेक्शन में, प्रेडिक्शन पे और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। क्योंकि कहा जा रहा है जो अपडेट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग KGF चैप्टर 2 डे 2 के अंदर भी हिंदी में फाड़ने वाली है। खैर दोस्तों, यही तभी तक की छोटी सी वीडियो, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज़।